छोटाउदेपुर जिल्लाना मुख्य मथक ने अड़ीने आवेल ओरसंग नदीना पुल ऊपर भूवो पड़वा पाम्यो हतो। छोटाउदेपुर जिल्लामां अवारनवार बनती पुल दुर्दशाना किस्साओ हवे सामान्य बन्या छे। छोटाउदेपुर जिल्लामां एक पछी एक पुलनी दुर्दशाओ हवे सामे आवी रही छे। मार्ग सलामती अने सुरक्षा सामे पण हवे गंभीर सवालो उभा थया छे। छोटाउदेपुर जिल्लाना मुख्य मथकने अड़ीने आवेल ओरसंग पुल ऊपर एक भूवो पड़्यो छे। बपोरना 12 कलाक सुधी नेशनल हाईवे ऑथोरिटीना कोईपण कर्मचारी द्वारा घटनास्थळनी मुलाकात लीधी नथी। कोई होनारत न सर्जाय तेने लईने पण लोको चिंतित छे। नेशनल हाईवे ऑथोरिटीनी निगरानी ऊपर हवे सवालो ऊभा थई रह्या छे। पुलनी समयांतरे दुरस्ती अने निरीक्षण कार्यनो अभाव जोवा मळी रह्यो छे। गुजरात अने मध्यप्रदेशने जोड़ता मार्ग ऊपर पुल ऊपर आ एक मस मोटो भूवो पड्यो छे, जेनाथी राहदारीओने वाहन चालको पण हेरान परेशान थई रह्या छे। छोटाउदेपुर अने अलुराजपुर ने जोड़तो मात्र एक ज आ मार्ग छे। 24 कलाक धमधमता मार्ग ऊपर आवेल पुल ऊपर भूवो पड़ता सत्वरे दुरुस्त करवामां आवे तेवी पंथकमां मांग उठी छे। छोटाउदेपुर जिल्लाना पूर्व पट्टीमां जे आदिवासी एरियो छे अने मध्यप्रदेशने जोड़तो 56 नंबरनो नेशनल हाईवे छे, जेमां बहु मोटुं गाबडुं पड़वामां आव्युं छे। छोटाउदेपुरमां आ बीजो पुल छे, पहेला जे जेतपुर पावज नजीकनो पुल छे तेनी पण हालत खराब छे, आनी पण हालत खराब छे, जेथी घणा અકસ્માત થવાની સંભાવનાઓ છે। કારણ કે એકમાત્ર આ મધ્યપ્રદેશને અને ગુજરાતને જોડતો રસ્તો છે અને આ પુલ છે, આનું તાત્કાલિક જો નિરાકરણ નહીં કરવામાં આવે તો કોઈ મોટી ઘટના અકસ્માત પણ થઈ શકે છે, જેથી સરકારશ્રીએ આને તાત્કાલિક ધ્યાને લઈ આનું સમારકામ કરાવવું જોઈએ અને નવા પુલ માટે આની જે પણ વ્યવસ્થા થાય આગલા સમયમાં તે કરવી જોઈએ। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે લોકમત ન્યૂઝને યુટ્યુબ ઉપર સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવો અને અમારી સાથે જોડાયેલ રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર ઉપર।